लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बनारस में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ का पूजन और जलाभिषेक किया, उस तर्ज पर आज नवी मुंबई के सानपाड़ा में बीजेपी के युवा नेता पांडुरंग आमले ने शिव पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रभाग 76 में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। युवा नेता पांडुरंग आमले ने कहा कि भगवान शिव हिंदू सनातन धर्म और आदि सत्य है और प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी का कायाकल्प कर देश के करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा बढ़ा दी है। देखें रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर आज नई मुंबई के सानपाड़ा प्रभाग 76 में सामूहिक शिव पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा नेता पांडुरंग आमले एवं समाज सेविका शारदा आमले द्वारा आयोजित इस शिव पूजन कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं ने जलाभिषेक किया। इस अवसर पर खास तौर पर मौजूद बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे ने कहा कि जिस तरह अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है और बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को अतिक्रमण से मुक्त कराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर का निर्माण कराया, वह सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का सबूत है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। उत्तर प्रदेशला काशी विश्वनाथांचं जे काही दुरावस्था झालेली होती एवढ्या वर्षात तिकडे काही लक्ष दिलं गेलेलं नव्हतं। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगांपैकी काशी विश्वनाथाचं एक ज्योतिर्लिंग प्रमुख मानलं जातं। माननीय मोदीजी पंतप्रधान झाल्याच्या नंतर हे बऱ्याचशे आपल्या सांस्कृतिक वारसे जे आहेत तर त्याला नीट पद्धतीने लोकांच्या समोर आणणं, भाविकांना त्यापर्यंत जाणं नेणं ह्या सगळ्या गोष्टीवर प्रचंड प्रमाणात भारतभर काम चाललेलं आहे। तर त्यापैकी काशी विश्वनाथ मंदिरांचं जे काही नियोजन झालेलं आहे आणि मी प्रेक्षकांना नक्की सांगेन की आज आपल्या टी व्हीवर लाईव्ह बघा तुम्ही काय रूपरेखा झालेली आहे काशी विश्वनाथाची। तर त्याचा लोकार्पण 16-13 आज मोदीजींच्या हस्ते होतो आहे। तर त्यावेळेला अशी एक संकल्पना भारतीय जनता पार्टीने मांडली की संपूर्ण भारतभर जिथे देवळं असतील तर तिथे साफसफाई करणं, पूजा अर्चा करणं आणि हा संदेश कुठे ना कुठेतरी लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे गरजेचं आहे, त्यामुळे हे आज नियोजन झालेलं होतं। वही युवा नेता पांडुरंग आमले ने कहा कि प्रधानमंत्री दिनरात जनता के लिए काम कर रहे हैं। देश का विकास हो या धार्मिक कल्याण की योजना, पीएम हर क्षेत्र में भारत को समृद्ध बनाने में जुटे हैं, इसलिए उनके समर्थन में हमने सामूहिक शिव पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। पांडुरंग आमले ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी यांनी वाराणसी इथे भव्य काशी दिव्य काशी असा एक भव्य दिव्य असा प्रोग्राम अरेंज केला आहे आणि त्याच प्रोग्रामच्या माध्यमातून पूर्ण भारतभर 51,000 ठिकाणी आपला हा भव्य काशी दिव्य काशी हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे आणि त्या सानपाडामधील या शिवमंदिरात सुद्धा आज सकाळी 9 वाजल्यापासून आम्ही कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। यामध्ये सकाळी 9:30 ते 10 वाजेपर्यंत आम्ही इथे स्वच्छता अभियान राबवले, त्यानंतर अभिषेक केला। अभिषेक केल्यानंतर आता तुम्ही बघता इथे एक भजन चालू आहे, आरती घेतलेली आहे। कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट हेच आहे की
13 आज आपल्या वाराणसी इथे मोदीजी यांनी केलेल्या जे सुधारणा आहे किंवा जी कामं केली आहेत त्याचा लोकार्पण सोहळा आज तिथे संपन्न होत आहे आणि त्याच कार्यक्रमाचं भव्य दिव्य दर्शन सर्वांना व्हावं. आध्यात्मिक मार्गाला आमची पुढची पिढी नवीन पिढीसुद्धा आहेत, त्याचप्रमाणे जुनी पिढी तर आहेत पण नवीन पिढी लहान मुलेसुद्धा त्यांना कळावं आध्यात्मिक मार्ग काय आहे आणि त्याच्यातून काय फायदे होतात त्याचाच एक प्रचार म्हणून आम्ही इथे वारंवार कार्यक्रम घेतो. आज इंडिया का और आउट ऑफ कंट्री का आदमी लोग आज शंकर भजन का याद सोमवार का दिन भी अच्छे है उसको याद करके सब जगह पे कार्यक्रम करना चाहते हैं. वो हिसाब से पांडुरंग आमले सर अपना सैनबाड़ा नोड में बहुत बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ. ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया.